भारत के इतिहास कई ऐतिहासिक घटनाओं से भरा पड़ा है, जिनमें कुछ घटनाएं हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। ऐसी एक ऐतिहासिक घटना थी सारागढ़ी की जंग। इस जंग में भारत के महान सपूतों ने वीरता की ऐसी दास्तां लिखी थी कि यूनेस्को ने इस लड़ाई को दुनिया की सबसे बेहतरीन 8 लड़ाइयों में शामिल किया था। सारागढ़ी हिंदू कुश पर्वतमाला पर स्थित एक छोटा गांव है जो अब पाकिस्तान में मौजूद है। अंग्रेजों के शासनकाल में 36 सिख पलटन चौथी सारागढ़ी चौकी पर तैनात थे। पलटन में महज 21 सिख जवान मौजूद थे। यह चौकी दोनों किलों के बीच सिग्नल देने का काम करती थी। ये सिग्नल कांच के माध्यम से दिए जाते थे, जिसे हिलियोग्राफी कहा जाता था। चूंकि अन्य पलटन की तुलना में फोर्ट सारागढ़ी पर बेहद कम यानी 21 जवान तैनात थे, जिनके चलते अफगानियों ने इस पर आक्रमण करना सही समझा। दरअसल अफगानियों का मानना था यदि फोर्ट सारागढ़ी उन्हें मिल जाती है तो वो अन्य पलटनों पर आसानी से कब्जा कर लेंगे, जिसके चलते अफगानियों ने 27 अगस्त से 21 सितंबर 1897 को फोर्ट सारागढ़ी पर कई हमले किए। लेकिन अफगानियों को इन हमलों में जीत हासिल नहीं हुई। सारागढ़ी पर तैनात 21 जवानों ने अफगानियों के हर मंसूबे नाकामयाब कर दिए। नतीजन 12 सितंबर 1897 की सुबह फोर्ट सारागढ़ी के जवानों ने 10,000 से अधिक अफगानियों को चौकी की ओर बढ़ते देखा। जवान समझ चुके थे अफगानियों ने सारागढ़ी के सिग्नलिंग पोस्ट पर हमला किया है। इस हमले का मकसद लॉकहार्ट और गुलिस्तान के किलों के बीच संपर्क तोड़ना था। इस तरह 12 से 15,000 अफगानी दुश्मनों ने लॉकहार्ट के किले को चारों तरफ से घेर लिया। अफगानियों के हमले की पहली सूचना सिग्नल इंचार्ज गुरुमुख सिंह ने लेफ्टिनेंट कर्नल जॉन हाफ्टन को दी, लेकिन सारागढ़ी किले पर तुरंत मदद पहुंचाना लगभग नामुमकिन था। मदद की हर उम्मीद टूट चुकी थी, लेकिन सिख वीरों का हौसला अभी कायम था। उन्हें सरेंडर करना कतई मंजूर नहीं था। लॉस नायक लाभ सिंह और भगवान सिंह अपनी राइफल लेकर 10,000 से अधिक अफगानी दुश्मनों से भिड़ गए। भगवान सिंह अपनी राइफल लेकर अफगानी दुश्मनों में आगे बढ़ गए। वे कई अफगानी दुश्मनों का सामना करने के लिए शहीद हो गए, जिसके बाद सिख सेना के सिपाही गुरमुख सिंह गौरे अधिकारी से यह कहकर जंग में कूद गए कि हम संख्या में कम है, लेकिन हम हमारे हाथ में दो दो बंदूकें हो गई, अब आखिरी सांस तक लड़ेंगे। के सिख जवानों का हौसला देखकर अफगानियों के हौसले पस्त हो गए। अफगानियों को लगा कि किले में कोई बड़ी सेना मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद अफगानियों ने किले पर कब्जा करने के लिए दीवारें तोड़ने की दो नाकामयाब कोशिशें की। हवलदार ईश्वर सिंह अफगानियों पर जो बोले सोनिहार, सत श्री अकाल का नारा लगाकर टूट पड़े। उन्होंने अकेले 20 से अधिक दुश्मनों को मार गिराया और वे शहीद हो गए। यह लड़ाई सुबह से देर रात तक चलती रही, जिनमें 600 से अधिक अफगानियों को मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं 21 सिख जवान शहीद हो गए। आखिरकार दुश्मन बुरी तरह थक गए और तय रणनीति से भटक गए, जिसके कारण वे ब्रिटिश आर्मी से अगले 2 दिनों में ही हार गए। उस वक्त ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन्स ने एक स्वर से इन 21 सिख सिपाहियों की तारीफ की। मरणोपरांत 36 रेजिमेंट के सभी 21 शहीद जवानों को परमवीर चक्र के बराबर विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। ब्रिटेन में आज भी सारागढ़ी की जंग को शान से याद किया जाता है।